हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर। आई नो आजकल रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियो देखना कौन पसंद करता है, बट ट्रस्ट मी अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं पहली ट्रिक क्या है। फर्स्ट ट्रिक है मेरी इस तरह से लिपस्टिक को लेकर। तो इस तरह से हम बहुत सारी लिपस्टिक ला के रख देते हैं, जिनमें से कुछ का यूज हम करते हैं और कुछ ऐसी ही रखी रह जाती है, और जब हम उसे लगाने रखते हैं तो पता चलता है कि वो ड्राई हो गई है, और ये इतनी कॉस्टली होती है कि इन्हें हम फेंक भी नहीं सकते। तो आइए बताते हैं ऐसी ट्रिक जिससे ये फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इसके लिए लेना है आपको एक गर्म पानी, और इस गर्म पानी में लिपस्टिक को कुछ देर के लिए ऐसे ही रख देना है। आप चाहते हो इसे ऊपर से कवर कर दें, और फिर थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो आपकी लिपस्टिक फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गई है। आइए इसे निकाल लेते हैं और चेक करते हैं। तो चलिए मैं इसे लगा के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी लिपस्टिक फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गई है, ये एकदम सही हो गई है। अब आप इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ट्रिक छोटी ज़रूर है लेकिन बड़े काम की है। इस तरह से हमें लिपस्टिक ख़राब होने का दुख भी नहीं होगा और हमारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह से सिंदूर को लेकर। तो गर्मियों में क्या होता है कि हम सूखा वाला सिंदूर लगाने से बचते हैं, क्योंकि ये पसीने में बह जाता है। तो बहुत सारी लेडीज़ लिक्विड सिंदूर लगाना पसंद करती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लिक्विड सिंदूर नहीं होता है और हमें मार्केट जाने का तो टाइम ही नहीं मिल पाता, तो क्या करें। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ घर पर ही लिक्विड सिंदूर कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डिब्बे में थोड़ा सा सिंदूर ले लिया है, और इसमें डालेंगे हम 1 से 2 ड्रॉप रोज़ वाटर, और इसके साथ ही डालेंगे 1 से 2 ड्रॉप नारियल के तेल की, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ही सिंदूर बनाकर दिखा रही हूँ, आप चाहें तो बहुत सारा शीशी भर कर बना सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा ना कि लिक्विड सिंदूर कैसे बनता है। तो चलिए अब देखिए हमारे ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया है। तो आइए हम इसे लगाकर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आप ये कितना बढ़िया हो गया है, लगेगा ही नहीं कि इसे आपने घर में बनाया है। और इसे लगाकर आप चाहे सारा दिन भर पसीने में घूमें, कहीं भी रहें, कि अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। तो आपको ये गजब की ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक टिश्यू पेपर, आप चाहे तो कपड़ा भी ले सकते हैं, और इसमें डाली है थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन हर घर में इजीली अवेलेबल होती है। आपने देखा होगा कि कभी भी अजवाइन में कीड़े नहीं लगते हैं। तो अब मैंने इसके यहाँ पर एक पोटली जैसे बना ली है। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि अच्छे अच्छों की बैंड बजा देती है। अब मैंने इसकी एक पोटली जैसे बनाकर इसे रबर बैंड लगा दिया है, और अब इसमें मैंने एक टूथपिक की हेल्प से 3 से 4 होल बना लिए हैं। आप चाहें तो सेफ्टी पिन से या फिर फोक की हेल्प से भी इसमें होल बना सकते हैं, जिससे कि जो अजवाइन की खुशबू है बाहर तक फैल जाए। और अब इस पोटली को हम रख देंगे दाल में। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में दाल में, मैदे में, सूजी में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो जब हम इस अजवाइन की पोटली को इनमें रख देंगे तो इसकी खुशबू से इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। आई होप आपको ट्रिक बेहद पसंद आई होगी। गर्मियों के दिनों में नींबू शिकंजी पीना हर किसी को पसंद होता है, और पीनी भी चाहिए क्योंकि ये शरीर को ठंडक और ताजगी देता है। लेकिन इसे बनाने के लिए जब चीनी घोलनी पड़ती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आज मैं बताऊंगी ऐसी ट्रिक जिससे आपको चीनी घोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही चीनी को मेल्ट करने के लिए घंटों हिलाना पड़ेगा। छोटी सी ट्रिक है लेकिन ये आपके टाइम की बचत करेगी। आपको चीनी को ग्राइंड करके रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए चीनी को मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे 1 मिनट के लिए चलाया, और तो हमारी चीनी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गई है। अब आप इस पाउडर शुगर को किसी भी डब्बे में भर कर रख लें तो ये आपको पूरी गर्मी भर आराम देगा। तो अब देखिए जैसे ही मैंने इस पाउडर शुगर को इस शिकंजी में डाला, ये कितनी जल्दी से मेल्ट हो गई है। तो इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ है। अब जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे ना, और आप उसे 1 मिनट में शिकंजी बनाकर देंगे, तो वो भी शॉक्ड रह जाएंगे और आपके काम की तारीफ के बिना नहीं रह पाएंगे। इस तरह से पाउडर शुगर बनाने से आपका टाइम भी बचेगा और आप अपने गेस्ट के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। तो चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक की तरफ। गर्मियों के दिनों में जहाँ तहाँ देखो छिपकली घूमती रहती है, कभी पर्दे के पीछे तो कभी किचन में, कभी दीवारों में, कभी फर्श पर। तो आइए बताते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए हमें लेना है मोर पंख। यह आपको किसी भी गिफ्ट शॉप पर इजीली मिल जाएगा या फिर कहीं पर भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इससे छिपकली नहीं बल्कि अगर आपके घर में सांप भी आते हैं ना तो इसे लगाने से वो भी दूर भागेंगे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मोर और सांप की कितनी गहरी दुश्मनी है। अगर आप भी ऐसे ग्रीनरी वाले इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो बरसात के दिनों में सांप आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो आप इस मोर पंख को अपने घर में लगाएंगे ना तो उस खतरे से आप बचे रहेंगे। तो देखिए मैं तो इस मोर पंख को इस तरह से कमरे में किसी भी फ्लावर पॉट में लगा देती हूँ। ये देखने में भी सुंदर लगता है और इससे आपके घर से छिपकली भी कोसों दूर भाग जाएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ पर मैं रहती हूँ ना वहाँ पर ग्रीनरी बहुत है, तो इससे बरसातों में सांप आने का भी डर रहता है, इसलिए मैंने इसे हर रूम में लगाया है। इससे छिपकली और सांप दोनों से सेफ रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक की तरफ। तो इस तरह से कुर्ते हम पहनते हैं और जब पुराने हो जाते हैं तो उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना चलो इसका एक बहुत बढ़िया सा यूज करते हैं, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाते हैं जो हमारे किचन में 3 से 4 बार यूज होता है, जो हमारे बहुत सारे पैसे भी बचाएगा और हमें भी सुरक्षित रखेगा। तो आइए अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब कुछ बनाना है तो कट तो करना ही पड़ेगा। ये सूट मेरा थोड़ा पुराना हो गया था तो मैंने कहा चलो इसका मैं यूज कर लेती हूँ। तो इसके मैंने दोनों साइड अलग कर लिए हैं, आप चाहे तो इसका दोनों साइड भी यूज कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर इसका एक ही साइड यूज करके दिखा रही हूँ, दिखा क्या रही हूँ, मैं इसे अपने लिए बना रही हूँ। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही बनाएं। मैं अपने लिए बना रही थी तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो इसे हम शोल्डर से भी कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आगे पीछे दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। देखिए हो गए ना दोनों पार्ट अलग। तो अब हम इसके पार्ट में ऊपर हिस्से में एक बेल्ट लगा देंगे। इसी सूट में से एक हम पतली सी बेल्ट काटेंगे और इसे ऊपर स्टिच कर देंगे। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप हाथ से भी सिल सकते हैं। तो आप इस तरह से दोनों शोल्डर पर एक तनी लगा दें, देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर साइड में कमर की साइड पर भी बेल्ट लगानी होगी। आप चाहें तो कोई सा भी डोरी लेकर इसे यहाँ पर बांध सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम किचन में। तो जब भी हम किचन में इस तरह से खाना बनाते हैं या बर्तन मांजते हैं तो हमारे कपड़े यहाँ से गंदे हो जाते हैं। स्पेशली लाइट कलर के कपड़े बहुत जल्दी गंदे होते हैं, उसमें दाग धब्बे लग जाते हैं तो वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर हमारा प्यारा सा फ्री का एप्रन बनकर रेडी हो गया है। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और इससे आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक की तरफ। तो नेक्स्ट वीक है हमारी इस तरह से एक्सपायरी दवाइयों को लेकर। तो दवाइयाँ जब हमारी यूज़ में नहीं आती हैं तो वो बेकार हो जाती हैं। तो आज हम इन बेकार पड़ी दवाइयों का बहुत ही बढ़िया सा यूज़ करेंगे। आप जानते हैं ये बेकार पड़ी दवाइयाँ भी हमारे कितने काम की होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कैप्सूल को अंदर से खाली कर लिया है और ये मेरे पास टैबलेट पड़ी थी, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। हम इसमें पानी डालेंगे तो ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। अगर कुछ हार्ड दवाई होती हैं तो आप इसे कूट भी सकते हैं। अब इन दवाइयों में हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा और साथ ही इसमें डाला है 1 चम्मच विनेगर। फ्रेंड्स ये इतना अच्छा सॉल्यूशन बनकर रेडी हुआ है ना कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आज हम इस एक्सपायरी दवाइयों से अपने एल्युमिनियम के बर्तन को क्लीन करेंगे। जब भी हम एल्युमिनियम के कढ़ाई या कुकर लेकर आते हैं तो नए में तो इनमें बहुत चमक होती है, लेकिन जैसे जैसे ये यूज़ में आते हैं और पुराने हो जाते हैं तो इनकी चमक फीकी पड़ जाती है। तो आज हम इन दवाइयों से इनकी चमक को वापस लेकर आएंगे और इसे क्लीन करने के लिए हमने दवाई के खाली रैपर का यूज़ किया है। इन बर्तन को क्लीन करने के लिए आपको दवाई के रैपर से अच्छा जूना कहीं नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसको रगड़ रही हूँ इसकी चमक वापस आ रही है और इसमें से जितनी भी गंदगी है वो सब निकल गई है, क्योंकि ये रैपर इतना शार्प होता है कि जहाँ जहाँ पर हमारा जूना नहीं पहुँच पाता ये वहाँ पर पहुँच कर उसे क्लीन कर देता है। कुकर के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर जूना अच्छे से साफ नहीं कर पाता, तो हम इस रैपर का यूज़ करके उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बाकी इसकी चमक लाने का काम एक्सपायरी दवाई करेगी। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी कढ़ाई या कुकर में ज़्यादा गंदगी है तो आप इस रैपर के कॉर्नर से उसे अच्छे से साफ करें। ये इतने शार्प होते हैं कि इनमें जमा गंदगी को एकदम से क्लीन कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी एक्सपायरी दवाइयाँ या फिर दवाई के रैपर को फेंकेंगे। गाइस क्लीनिंग का काम तो हो चुका,
अब हम इसे अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर गीला कपड़ा लिया है और इसे मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। आप देखेंगे कि कुकर में कितनी चमक आ गई है। तो है ना कमाल की ट्रिक। तो आज के बाद आप एक्सपायरी दवाइयाँ और दवाई के खाली रैपर को फेंकने की गलती कभी नहीं कर, बल्कि आप इनकी हेल्प से अपने एल्युमिनियम के कढ़ाई और कुकर की चमक को वापस ला सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। आपको मेरी आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।